कोयलांचल में एक बार फिर वर्चस्व कायम करने को लेकर दो गुटों में जमकर गोलीबारी हुई। घटना झरिया के बीसीसीएल एरिया 9 के बस्ताकोला कोल डंप का है, जहां पर लोडिंग पॉइंट शुरू होते ही दूसरे गुट ने वर्चस्व कायम करने को लेकर लोडिंग पॉइंट पर गोलीबारी और पत्थरबाजी करने लगे। बताया जा रहा है कि संयुक्त मोर्चा के प्रयास से बस्ताकोला कोल डंप में मैनुअल लोडिंग का कार्य शुरू हुआ था, जिससे सैकड़ों बेरोजगारों को इससे फायदा होता है। इस दौरान जनता श्रमिक संघ को कुछ स्थानीय लोगों ने वर्चस्व कायम करने को लेकर कोल्डम पर सैकड़ों की तादाद में लोगों के साथ पहुंचकर हंगामा करने लगे, जिसके बाद गोली और दोनों पत्थरबाजी। वहीं स्थानीय मजदूर नेताओं का कहना है कि कुछ लोग 50% कमीशन लेने के लिए गोली चला रहे हैं। पुलिस को इस पर ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे। वो घटनास्थल पहुंचे डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर ने बताया कि लोडिंग को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ने की सूचना मिली थी, जिसमें 9 राउंड फायरिंग होने की बात कही जा रही है। आगे की जांच की जा रही है, जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वही यहाँ पर एक्चुअली डीओ हुआ था, डीओ के लोग ने कोयला उठाव का काम चल रहा था, तो उसमें दो पक्ष ग्रुप एक दूसरे को विरोध करने में लगे हुए थे, तो उसी बीच में फिर पुलिस को सूचना लगी, उसके बाद पर्याप्त बल लगे उसको खदेड़ दिया गया और बाकी जो नियम संगत आगे तक कार्रवाई हो गई। फायरिंग हुई है सर? फायरिंग ऐसा बोलता है, पर सियासत भी जो थी सबरे से ड्यूटी में, उन्होंने भी फायरिंग की बात की पुष्टि नहीं की है। हालांकि 9 राउंड खोखा देखे जाने की बात बताया जा रहा है, तो हम लोग उसका अभी जांच करवा रहे हैं। और ये लगातार 10-15 दिनों तक यहाँ पे 4-5 हज़ार टन कोयला का उठाव करना है। सभी मजदूर साथी इसके पहल से बहुत अपने को खुशी महसूस कर रहे हैं, और सभी कुछ लोगों के द्वारा इसमें व्यवधान भी डालने का प्रयास किया गया, जो कि आप लोग साक्षी हैं, आप लोगों ने देखा भी, लेकिन जिला प्रशासन का बहुत ही सहयोग रहा और उन्होंने भरपूर मदद करके गरीब मजदूरों को हक दिलाया है। कौन लोग थे, कौन लोग व्यवधान कर रहे थे? कुछ लोग यहाँ पर जो अपने को बोलते हैं कि हमको 50% चाहिए, हमको 100% चाहिए, जबकि संयुक्त मोर्चा में सभी को, ऐसा कोई नहीं बचा है इस बस्ताकोला क्षेत्र का, चाहे इस परियोजना से प्रभावित लोग, सभी को शामिल करके एक सर्वसम्मति बनाया गया है। लेकिन कुछ लोग को 50% और 100% का हिस्सा चाहिए, तो ये मजदूर यहाँ के तय करेंगे कि किनको हिस्सा मिलेगा और किनको नहीं मिलेगा। गोली फायरिंग घटना ऐसा तो आप ही लोग बोले हैं कि गोली की फायरिंग भी हुई है, खेदा खेदी भी हुआ है, जिसका प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सारे लोगों ने अपने कैमरे में कैद भी किया है। हम लोग चाहेंगे कि इसकी संपूर्ण जांच करके जो भी दोषी लोग हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, ताकि यहाँ का डिपो का कानून व्यवस्था और मजदूरों का हक मिलता रहे। आप लोग लिखित अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा प्रभु जी प्योर फूड। चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद।